बहनों, आज कांग्रेस के खिलाफ देश में आक्रोश एक मजबूत भाव देखने को मिल रहा है। इसका कारण भी उनकी नीयत है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने छत्तीसगढ़ से नक्सली माओवादी हिंसा को खत्म करने का एक सफल प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के और देश के लाखों सपूत बंदूक और बम की बर्बादी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले ही कांकेर में हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बलिदान की परवाह नहीं है। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में कहा है कि जो सीमा पर आतंकियों से निपट रहे हैं, जो नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर से मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे जवानों को जो एक विशेष कवच मिला हुआ है, जिसके कारण वो निश्चिंत होकर के देश की सेवा कर रहे हैं, सामान्य मानवी की रक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में 3 दिन पहले उसको हटाने का फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता में मौका देगी तो हम ये सारे कानून हटा देंगे। आपको मंजूर है क्या? आपको मंजूर है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जवानों का जो रक्षा कवच है, ये हटना चाहिए क्या? ये हट जाएगा तो वो हमारे लिए काम कर पाएगा क्या? वो हमारे लिए मरने के लिए तैयार होगा क्या? भाइयों बहनों, क्या हो गया है इन लोगों को? मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं, ये सेना के जवानों को, ये सुरक्षा बल के जवानों को तुम नियत से बना रहे हो, अरे जरा एक बार खुद तो ये सारी सिक्योरिटी के कवर से बाहर निकल करके दिखाओ जरा। भाइयों बहनों, देशद्रोहियों की मदद होनी चाहिए या राष्ट्र की रक्षा करने वालों की मदद होनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण आज देश के अंदर ही गुस्सा है। और मैं देख रहा हूं ये छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जनसलाह, ये सिर्फ मोदी को प्यार करती है इतना नहीं, देश को बर्बाद करने वालों के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए भी आई है। मैं भली भांति आप पर गुस्सा समझ सकता हूं। देश का और छत्तीसगढ़ का यही मूड है जिसके कारण कांग्रेस में भगदड़ मची है। मैं अभी ओडिशा से आया हूं, वहां कांग्रेस के नेता ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे, जगह ढूंढ रहे हैं अलग अलग दलों में। तेलंगाना में कांग्रेस के सभी नेता पलायन हुआ, ताला लगने वाला है। और तो और, नामदार ने अपनी जिस सीट को बसंत का हिस्सा मान लिया था, वहां से भी पलायन करने की नौबत आ गई। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी निराशा होगी। अभी तो चुनाव का रंग जम रहा है, उसके पहले ही वो मैदान छोड़कर के भाग रहे हैं। जब कांग्रेस के नामदार को देश के सबसे सुरक्षित सीट की तलाश करने की नौबत आ गई, तो स्थिति समझना मुश्किल है क्या? भाइयों और बहनों, ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस में उसकी नीयत में खोट है, और इसलिए दलालों और बिचौलियों का एक
पूरा संसार एक पूरा मायाजाल उन्होंने विकसित किया हुआ है। नीयत की खोट है, इसके कारण हेलीकॉप्टर की खरीदारी में भी दलाली खाने से बाज नहीं आए। नीयत में खोट है, इसलिए कांग्रेस का नामदार परिवार आज जमानत पर बाहर है। जमानत पर 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि अपने शेर बनकर के घूमते हुए रिमोट से सरकार चलाने वाले आज जमानत पे घूम रहे हैं? किसी ने सोचा था? नियत में खोट है, इसलिए किसानों से कर्ज माफी का झूठा वायदा किया गया। मेरे साथियों बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई है? क्या कर्ज माफी हुई है? क्या क्या कांग्रेस ने यहाँ के नौजवानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया? क्या हर चुनाव में कांग्रेस ऐसे ही झूठे वायदों का ढकोसला पत्र निकालकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है? यही दशकों से उनकी राजनीति का तरीका है। यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस की नीयत गरीब का भला करने की नहीं है, किसान का भला करने की नहीं है, गरीब के नाम की योजनाओं से अपनी तिजोरी भरना, यही एकमात्र उनका एजेंडा है।